मोहब्बत इबादत शिकायत मैं जिससे करूं वो तुम हो, तुम ही हो जाने जा। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो गाइस बात करते हैं यूएन नंबर पे आपको पासवर्ड कैसे चेंज करना है। तो पहले ही जब आप यूएन नंबर लेंगे आपका पासवर्ड नहीं रहेगा तो आपको पासवर्ड बनाना है। तो किस तरह से बनाना है मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। उससे पहले एक बात बोलूँ गाइस, आपका अगर यूएन नंबर में आपका नया मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, दूसरा किसी पुराना नंबर रजिस्टर्ड है और वो मोबाइल नंबर अभी नहीं है एक्टिवेट, तो आपका जो यूएन नंबर पे जो आपका पुराना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर नहीं है, तो गाइज आप ये नहीं कर सकते, आपका पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक ओटीपी नंबर आएगा जो ओटीपी नंबर को डाल के ही आगे बढ़ सकता हूँ और पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बात बोलूँगा, आप मेरे चैनल पर जाइए, चैनल पर जाके देखिए नंबर मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे करना है यूएन नंबर पे नया मोबाइल नंबर, तो वो वीडियो आप सबसे पहले देखिए और उसमें देखिए, वो वीडियो देख के आप अपना नया मोबाइल नंबर को पहले एक्टिवेट कीजिए, उसके बाद में आइए फिर पासवर्ड बनाइए। तो सबसे पहले गाइस आपको जाना है गूगल पर, तो इस तरह से गाइस आपको आना है गूगल पर, इस तरह से सर्च बार में आपको सर्च करना है epf.government.in। तो यहाँ पर देखिए epf.government.in, तो सिंपली क्या करना है गाइस, आपको इस लिंक पे क्लिक करना, तो जैसे ही देखिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा लिंक आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर कौन सा लिंक पे आपको जाना है, यहाँ पर देखिए थर्ड वाला जो ऑप्शन है UAN, तो सिंपली क्या करना है आपको इस UAN थर्ड वाला जो लिंक है इसमें आपको क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही UAN उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको लेके आ जाएगा इस पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए राइट साइड में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाता है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको यूएन नंबर डालना पड़ेगा, सेकंड में आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा और देन लास्ट में यहाँ पर आपको कैप्चर डाल के यहाँ पर साइन इन करना है। तो सिंपली ये यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना है, मैं आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए नीचे में, यहाँ पर देखिए नीचे में एक लिखा है फॉरगेट पासवर्ड, तो सिंपली क्या करना है आपको इस फॉरगेट पासवर्ड पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक छोटा सा पॉपअप यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस लिखा है फॉरगेट पासवर्ड और सिंपली क्या करना है, यहाँ पर देखिए इंटर UAN, तो आपका यूएन नंबर यहाँ पर डालना है और ये जो कैप्चर है आपको यहाँ पर डालना है और डाल के यहाँ पर सबमिट करके आपको आगे में जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फटाफट डाल देता हूँ जो जिस यूएन नंबर पे मेरे को पासवर्ड चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए गाइज मैंने यूएन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया, पासवर्ड मतलब कैप्चर यहाँ पर डाल दिया, डाल के यहाँ पर देखिए जो ब्लू कलर का सबमिट का बटन है सिंपली क्या करना है आपको इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए गाइज इस तरह से एक पेज आ गया फिर से, तो यहाँ पर देखिए एक मोबाइल नंबर यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो इसी में अभी ओटीपी नंबर आएगा और वही ओटीपी नंबर आगे मैं जाकर डालूंगा तभी जो है मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए लिख रहा है रजिस्टर मोबाइल नंबर इस यूएन नंबर पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है। तो सिंपली गाइज आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपका पुराना किसी मोबाइल नंबर रजिस्टर है या फिर आपको पता ही नहीं कि कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है, तो मेरे चैनल पर आके देखिए कि यूएन नंबर पर नया मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे करता है, वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हूँ। तो पहले जाके उस वीडियो को देखिए, आप अपना यूएन नंबर पर अपना नया मोबाइल नंबर रजिस्टर कीजिए, फिर बाद में आके पासवर्ड फॉरगेट कीजिए, फिर उसके बाद में आप अपना अकाउंट में एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस मोबाइल नंबर पे अभी ओटीपी आएगा और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा मांग रहा है, तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, येस और नो दोनों में से किसी एक को क्लिक करना है। तो भाई सिंपली येस पे आपको क्लिक करना है, तो जैसे ही येस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक रजिस्टर में ओटीपी आएगा। तो जैसे ही गाइस देखिए मैंने मोबाइल येस पे क्लिक किया, तो येस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, ये लोग इसी रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी चार डिजिट का यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर देता है स्क्रीन पे, तो इसी तरह से आपका उस नंबर पे एक इस तरह से मैसेज आएगा। और यहाँ पर देखिए चार डिजिट का नंबर है और नंबर आपको यहाँ पर डाल के यहाँ पर देखिए जो वेरीफाई है सिंपली वेरीफाई पे क्लिक करके आप आगे में बढ़ पाएंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है तो सिंपली यहाँ पर देखिए रिसेंट ओटीपी, अगर यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे तो आपको पास में फिर से एक ओटीपी नंबर आएगा, अगर नहीं आता है तो गाइज यहाँ पर ओटीपी के लिए बताऊँ कि ओटीपी नंबर ये लोग तुरंत दे देता है, कोई भी गड़बड़ी नहीं होता है। तो सिंपली यहाँ पर ओटीपी नंबर डाल दिया, अभी मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर वेरीफाई पे। तो जैसे ही गाइज ओटीपी नंबर आया था, ओटीपी नंबर पे क्लिक ओटीपी नंबर डाल के वेरीफाई पे क्लिक कर दिया, तो थोड़ा देर के लिए 15 या 20 सेकंड के लिए वेट करके फिर देखिए इस तरह से एक पेज आया। अभी यहाँ पर देखिए पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर देखिए न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा,
जो आप डालना चाहते हैं, और यहाँ पर वही सेम पासवर्ड यहाँ पर डालना है, भूल के भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो नहीं होगा। सेम पासवर्ड आपको दो जगह पे डालना है। अभी गाइस बात करते हैं पासवर्ड की। यहाँ पर पासवर्ड डालना आसान बात नहीं है, क्योंकि पासवर्ड जो है बहुत ही क्रिटिकल रहता है। कैसा टाइप का पासवर्ड डालना चाहिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। आपको जानने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए छोटा सा एक आपको यहाँ पर सिंबल दिखा रहा है, तो सिंपली यहाँ पर आपको टच करके रखना है। अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर से देख रहे हैं तो माउस को इसके ऊपर में रखिए। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, रुकिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर रखा तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, पासवर्ड होल्ड कंटेंट 1 मिनिमम 7 कैरेक्टर्स 2 एटलीस्ट 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल लेटर। तो इस तरह से है जो है भाई, यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा 6 यहाँ पर ऑप्शन दिया है, और पासवर्ड में बताया आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना आसान काम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं स्क्रीन पे एक छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं छोटा सा डेमो। इस तरह से आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में यहाँ पर जिस तरह से वो लोग दिखा रहा है कि 6 अल्फाबेट ए वो, क्योंकि हर कोई बंदा तो यहाँ पर कर नहीं पाएगा भाई, मेरे को पता है। मैं इस तरह से अगर स्क्रीन पर दिखाऊँगा ना तो वही अच्छा रहेगा। तो गाइज मैं आपको बताऊँ पासवर्ड कैसे डालना है। तो स्क्रीन पे जिस तरह से मैंने दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया, ठीक इसी तरह से आपको डालना है। तो पहले बड़ा अक्षर में आपको एस देना पड़ेगा, फिर बाद में छोटा सा लिखना है, सुमन टाइटल देना है एक ही साथ में, कैप नहीं स्पेस नहीं मारना है। फिर बाद में यहाँ पर एट द रेट हैश डॉलर सिंबल स्टार, और लास्ट में 3 डिजिट का कोई भी नंबर, जैसे 000 या फिर 888 या फिर 555 या फिर 123 आप कुछ भी मार सकते हैं। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ। इसी तरह से आप अपना पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड बनाने के बाद में यहाँ पर दो जगह पे सेम इसी तरह से डाल दीजिए, ऊपर में भी वैसा ही डालिए, सेम उसको यहाँ पर भी डालिए। कॉपी पेस्ट यहाँ पर नहीं चलता है, तो सेम यहाँ पर डाल पे यहाँ पर देखिए जो सबमिट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, सिंपली आपको क्या करना है, इस सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। यह गाइस ध्यान रहे दोनों में ही एक ही पासवर्ड आपको डालना है, और आपको ध्यान रहे जैसे ही आप पासवर्ड बना रहे हैं तो पासवर्ड को बनाने के टाइम में आप किसी जगह पे लिख के रखिए, क्योंकि कंफर्म आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा सा पासवर्ड है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो लिख के रखिए, फिर बाद में यहाँ पर ठोक दीजिए। ठोकने के बाद में यहाँ पर देखिए सबमिट है, सिंपली सबमिट में क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, पासवर्ड डोज नॉट मैच। तो यानी कि यहाँ पर देखिए भैया हो गया, मैंने जो डाला यहाँ पर अलग अलग हो गया। तो जैसे कि भाई मैंने पासवर्ड फिर से चेक किया, और चेक करके फिर से मैंने यहाँ पर टाइप किया, तो फिर से मैं यहाँ पर सबमिट में क्लिक करता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं। ठीक है, मैंने सबमिट में क्लिक किया, अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए काम हो गया, सक्सेसफुल लोडिंग हो गया, फिर सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पर ये मैसेज देख सकते हैं गाइज क्या है, फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन पे है, पासवर्ड चेंजेस सक्सेसफुल क्लिक हियर टू लॉगिन। तो सिंपली यहाँ पर देखिए मेरा पासवर्ड फिलहाल सक्सेसफुल चेंज हो गया। अभी क्या करना है, सिंपली अगर इस पर देखिए यहाँ पर देखिए एक लॉगिन का ऑप्शन दिया है, सिंपली इसमें क्लिक कर तो आपको लेके आ जाएगा इस पेज पे, यानी कि होम पेज पे लेके आ जाएगा कि आपका पासवर्ड जो है चेंज हो गया। अभी सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर यूएन नंबर डालना है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पर यूएन नंबर डालना है, फिर यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड आपने अभी बनाया, और यहाँ पर कैप्चा डाल के यहाँ पर साइन इन कर देना है, तो आप अपना अकाउंट में आराम से एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो बात बोला गाइस, अगर आपका यूएन नंबर पे आपका नया मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो आप वो वीडियो देख के आप रजिस्टर कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जाकर आप पहले देख लीजिए, अपना नंबर रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर आके पासवर्ड को फॉरवर्ड कीजिए, मतलब फॉरगेट कीजिए अपने पासवर्ड को, और नया पासवर्ड बनाइए जिस तरह से मैंने दिखाया आराम से। फिर यहाँ पर अपना यूएन नंबर पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर दीजिए, आप अपना अकाउंट में एक्सेस कर पाएंगे। अंदर में जाके आप अपना आराम से देख सकते हैं आपका अकाउंट में कितना पैसा डाला है, कितना ट्रांसफ़र किया है, कितना क्या क्या है। तो आशा करता हूँ गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको पता नहीं है कि भाई यूएन नंबर को पासवर्ड, यूएन नंबर में पासवर्ड कैसे बनाता है या फिर फॉरगेट कैसे करता है, ठीक है। अगर पुराना कोई पासवर्ड है, आपने पासवर्ड भूल गया तो नया पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाएं, ठीक इसी तरह से जिस तरह से मैं आज दिखाया। तो जिसको नहीं पता है उसको वीडियो शेयर करके देखने का मौका दीजिए, जानने का मौका दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो आशा करता हूँ गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करना है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ भेजिए, कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।